नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबरों के साथ। देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो एक दिन पहले यानी शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार 15 अगस्त तक यात्रियों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्री 15 अगस्त दोपहर 2 बजे के बाद ही अपनी वाहन पार्क कर सकते। बता दें, हालांकि इस दौरान मेट्रो सामान्य रूप से चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो की ओर से यह जानकारी साझा की गई। 15 अगस्त के मद्देनजर इस बार लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। इस बार लाल किला की सुरक्षा के कारण मुख्य गेट के बाहर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए। इसके आला एंट्री डोन रडार का भी इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर गुरुवार को रिटायर हुए न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंग्लो ने कहा कि अदालत कर्मियों और रजिस्ट्री द्वारा किए गए कामकाज के बगैर कोविड-19 के दौरान पूरी प्रणाली ही ध्वस्त हो गई है। न्यायमूर्ति एंग्लो ने हाई कोर्ट द्वारा उनकी विदाई के लिए डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कर्मचारियों के अलावा कानून पर शोध करने वाले ने भी काफी योगदान दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में दौरान बम बनाने और सप्लाई करने के आरोपी 46 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोसी ने फंसाया था। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी बताई कि उस वक्त की घर की छत पर जो पाइप बम बरामद किए गए थे, वास्तव में उन्हें उसके पड़ोसी ने रखा था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अनदेखी के कारण बता दें, सरोजनी नगर मार्केट की 46 दुकानें 2 दिन के लिए बंद रही। इनमें मेन मार्केट की 18 दुकानें, सब्जी मार्केट की 15 दुकानें और बाबू मार्केट की 13 दुकानें शामिल हैं। वसंत विहार के SDM की ओर से जारी किए गए ऑर्डर में बताया गया है कि वसंत विहार के जब डिवीजन के प्रवर्तन अधिकारियों ने गुरुवार को पाया है कि यहाँ पर नियमों की अवहेलना की जा रही है। सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार राज्य और केंद्र सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के उपक्रमों और 500 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राहुल सिकेट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार पर किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह उन्हें केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने से नहीं रोक पाए। किसान नेता ने कहा कि उनका आंदोलन नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की जारी रहेगा और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को उनके शांतिपूर्ण आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सुझाव दिया कि विदेश यात्रा को लेकर किसी खास टीके पर जोर देने की बजाय देशों के बीच कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को लेकर कुछ समझ बननी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक चुनौती होगी क्योंकि कुछ देश इस बात पर जोर देंगे कि उनका टीका जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं समझता हूँ कि सामान्य तौर पर अभी भी विदेश यात्रा टीकाकरण आधारित होने की बजाय जांच आधारित होना चाहिए। विदेशों की तर्ज पर दिल्ली वालों के पास भी अपना हेल्थ कार्ड होगा। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगले साल की शुरुआत में लागू कर देगी। इसके लिए वेंडर चयन और वित्तीय ब्रीड की प्रक्रिया पूरी तरह कर ली गई है। इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने HIMS प्रोजेक्ट की प्रगति समीक्षा बैठक करने के बाद। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट में एकानंद विहार में शहर का सबसे बड़ा 24 मीटर स्मॉग टावर बन रहा है। हालांकि फील्ड इंजीनियरिंग को इसे समय पर खत्म करने का दबाव है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के करीब बन रहे सबसे बड़े एंट्री स्मॉग टावर के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 40 पंखे लगे।
एक इंजीनियर ने बताया कि हवा का स्तर खराब से बेहद खराब हुआ तो पहियों की रफ्तार भी उसी हिसाब से बढ़ेगी और ये अमेरिकन तकनीक से बनाया गया है। यानी हवा का स्तर खराब होने पर सबसे ऊपरी हिस्सा प्रदूषित हवाओं को सोख कर टावर के बीच वाले हिस्से में फेंकेगी और बीच वाला नीचे पंखों वाले हिस्सों में फेंके। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कत्ल के एक मामले में आखिरकार 10 दिन बाद खुलासा कर रही है। पुलिस ने बताया कि जिस युवक की लाश मिली थी वो नाबालिग और उसका कातिल भी एक नाबालिग थी जिसने बेल्ट से गला घोटकर उसकी हत्या की। पुलिस ने कत्ल के कुछ ही दिन बाद लाश बरामद की थी जिसे पहचान पाना भी मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ये मामला सुलझा दिया।